नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रैडार आज आपका आपके अपने चैनल रैडार डेली अपडेट पर स्वागत करता हूं। तो पिछला टॉपिक जो चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम और फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी हमने पीछे किया है जो कि आज हम ख़त्म कर देंगे उसको, ठीक है, उस टॉपिक को, डिविजिबिलिटी को, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेंगे। आज जो डिविजिबिलिटी है उसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिजिटल सम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? डिजिटल सम नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है जो ख़त्म होने वाला है डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ आपको मैं, ठीक। तो इससे रिलेटेड क्या बातें हैं, देखो, कोई नंबर है, कोई नंबर है जो सिक्स टाइम है, कोई नंबर यदि सिक्स टाइम है तो उसको उसको हम हमेशा 3, 7, 11, 13 और 100 मतलब 1001, ठीक, इनसे हमेशा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और एक 37 भी, हम एक 37 भी, ठीक है, इनसे हम हमेशा इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो हमें देखना है। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि ऐसे हैं 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ सही है, इतना बहुत है, इतना है, बोल रहा है कि 13 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा। तो हमें पता है यदि याद हो को तो 6 डिजिट होगी, तब तक तो 13 से पूरा डिवाइड होगा, मतलब 6 डिजिट तक ही 13 से जीरो देगा, हाँ वो शेषफल, ठीक है, जीरो शेषफल देगा। तो हमें ये भी पता है लास्ट के 3 बचे हैं, 33 बचे हैं, तो हमें सीधा यहाँ जब निकल के आएगा तो 13 × 26, 2 तो लिखना ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या आएगा, तो यहाँ 26 लिखेंगे हम, यहाँ पर अपना 33 बचता है और 26 लिखेंगे हम, ठीक है, नीचे लिखेंगे 26, तो 6, 4, 7, 7 इसका शेषफल होगा, ठीक है, 7 इसका शेषफल होगा, शेषफल, ठीक है, शेषफल होगा। तो ऐसे ऐसे हमारे एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बता देते हैं, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं जिनको ये नहीं पता वो क्या करते हैं, शुरू से भाग देते हैं और इसमें कम से कम 1 मिनट से ऊपर टाइम ले लेते हैं। और ये हमारा कितने देर का है, दिमाग लगाओ कि 26 मतलब 8 हैं तो 6 तो ख़त्म, बचे 2, 13 × 26, 26 को कितना फालतू करना पड़ेगा, तो 7 फालतू करेंगे तो मतलब 7 शेषफल बचेगा इसका, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, ठीक है, इसको उतार लेना, ये बहुत अच्छी पॉइंट था, कोई क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको कोई बढ़िया सा, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, यदि किसी, यदि 9 अंकों की एक संख्या, यदि 9 अंकों की एक संख्या है 9, 8, 5, x, 36, 78, y, बस, ठीक है, बोल रहा है 9 अंकों की संख्या, 3, 3, 6, 3, 3, 9, हाँ ठीक है, 9 अंकों की एक संख्या है, ये 72 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, 72 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, तो इसमें 4x, तो इसमें 4x माइनस 3y क्या होगा, इसमें 4x माइनस 3y बताइए। तो हमें ये चेक करके बताना है, तो इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो कैसे है, हमें 72 से डिवाइड करके नहीं देखना है इसको, 72 को हमें 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो और आपस में मल्टीप्लाई करके 72 निकले, ठीक है, और आपस में कोई प्राइम नंबर मतलब आपस में कटना भी नहीं चाहिए, ये आपस में अलग अलग नंबर होने चाहिए, इनमें से कोई कॉमन नंबर भी ना हो और एक दूसरे का एक फालतू, ठीक, ऐसे नंबर ढूंढने जाते हैं। जैसे 12 होता तो यहाँ 3 और 4 करते, ठीक है, हाँ ऐसे ही 12 होता 3, 4 करते, मान लो 36 होता तो 9 और 4 करते, ठीक है, ऐसे हम जोड़े बनाते हैं, ठीक। तो 12 इसके लिए क्या क्या जोड़ा बनाया हमने, इसके लिए हमने बनाया 8 और 9। सबसे पहले हमें 8 का रूल चेक करना है, 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट को हम
भाग देख के देखें, यदि वो पूरा पूरा भाग हो जाता है तो पूरी संख्या पूरी भाग हो जाती है। तो बात ये है कि 72 से बोल रहा है कि पूरा भाग होता ही है, तो ये तो कह रहा है पूरा ही भाग होता है, इससे कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 8 से पूरा भाग हो गई तो 778 वाई निकाल लो, ये 8 से पूर्णतः डिवाइड होने वाली संख्या पहले बोल रखी है। 8 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी, 72 से होगी तो इनसे भी होगी, ठीक है। तो इसको कर 8 ने 72, ठीक है, यहाँ बचा कितना, 6 बचा। तो वाई की जगह क्या रखें हम, वाई की जगह क्या रखें, तो वाई की जगह हम सबसे छोटी संख्या 4 ले सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जैसे कि 8 2 64, ओके, और पूरा पूरा घट जाए। तो वाई की जगह हमने कितना ले लिया, 4 ले लिया। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं वाई बराबर 4, ठीक है। अब क्या करना है, वाई की जगह आ गया 4, ठीक। अब 9 का रूल क्या होता है, पूरी डिजिट को सम करो और 9 से डिवाइड करो, तो वो 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी। यदि मतलब सम उसका 9 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। 9 का रूल ये होता है, आपको बताया होगा, मैंने बताया था कि डिवाइड करने से अच्छा है कि जितने 9 9 दिखते जाते हैं वो काटते चले जाओ। ये कट गया 9, 6 3 9 कट गया, ठीक है। अब बाकी को जोड़ लो, 8 3 13, ठीक है, और 13 और ये दो, ये बच गया ना, 13 7 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, 32 प्लस में x बच गया अपने पास। और कितना बनाए कि 9 के पहाड़े में आ जाए, तो 9 चौक होता है 36। तो कितने की ज़रूरत और पड़ेगी, यहाँ बचेगी 4 की ज़रूरत और पड़ेगी, क्योंकि 9 के पहाड़े में 36 आता है, ठीक है। तो 4 की ज़रूरत और पड़ेगी, तो x का मान भी कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान भी कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। x और y दोनों का मान क्या आ गया, 4, ठीक। तो 4 आ गया है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 12, मतलब 4 3 12, और 16 में 12 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ये तो मैंने डेली नहीं मिट जाती है यार, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं है, ठीक है। जब हम फास्ट करते हैं तो इतना टाइम लगता नहीं है। एक क्वेश्चन और लो, एक बढ़िया सा, कि यदि 6 अंकों की संख्या, ये हो गया है पूरा, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। बोल रहा है कि 6 अंकों की संख्या, ठीक है, यदि 6 अंकों की संख्या है, एक 6 अंकों की संख्या है 15 x1 y2, ये 44 से डिवाइड होती है, ठीक है, ये 44 से पूर्णतः डिवाइड होती है, तो x + y का मान बताइए। तो x + y का मान बताइए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, 44 के दो टुकड़े बनाने हैं जो आपस में जो ना कटते हो, तो 4 और 11, ठीक है, 4 और 11 हम 44 के दो टुकड़े बनाएंगे। सबसे पहले 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करके देखो, तो y की जगह हम 1 रख दें तो 4 3 12, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब लिख लो 15 x 1 1 2, ठीक है, ये हमारे पास संख्या है। अब आपको याद होगा कि हमने 11 का रूल एक बताया था आपको, कि ये जो होती है ये डिजिट को जोड़ो अलग, और ये डिजिट को, और ये डिजिट को जोड़ो अलग, ठीक है। एक छोड़ एक डिजिट को जोड़ो और एक छोड़ एक डिजिट को जोड़ो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 6 और 2 8, ठीक है, 8, और यहाँ क्या है, 1 x और 1, मतलब 2, तो माइनस में करना है 2 + x, ये हमारा दूसरा पैटर्न है। तो
इसका जोड़ या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी ये 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 11 तो आने से रहा क्योंकि माइनस है, तो पहले डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ सकता है। तो 0 लाया जा सकता है। 0 कैसे लाया जा सकता है, यदि एक्स की जगह 6 ले लें तो 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे, 6। ठीक है, एक्स और वाई का मान 6 आ गया। तो 6 प्लस में 1 कितना आंसर आया इसका, 7। ठीक, 7 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो आज ये डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक पार्ट इसका, ठीक है, डिविजिबिलिटी आज पूरा हो चुका है। और टेलीग्राम पे जाएं और रेडार डेली अपडेट सर्च करें, वहाँ से आपको जो ग्रुप है वो मिलेगा, जो चैनल है उस पर आप ये इस क्लास की पीडीएफ सारी एक साथ ले लें वहाँ से। ठीक है, और बाकी तैयारी करते रहें और हम धीरे धीरे लेके चलेंगे क्लास को। ठीक है, और कोशिश करते रहेंगे कि रेगुलर क्लास रहे और एक भी क्लास मिस ना हो, और ये सिस्टम ख़त्म कर देंगे जल्दी। एग्ज़ाम अभी है नहीं, एग्ज़ाम आएंगे तब तक ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इजाज़त लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।